Art School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर के त्राल में आतंकी की गोलियों का शिकार बने भाजपा काउंसलर राकेश पंडला का शव वीरवार तड़के जम्मू स्थित रूपनगर में उनके निवास पहुंचाया गया, जहां कुछ धार्मिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को बनतलाब शमशान भूमि ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश पंडला की चिता को उनके बेटे पारस पंडला ने मुखाग्नि दी, जबकि इस मौके पर भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना व पूर्व MLC विक्रम रंधावा भी मौजूद रहे। जम्मू जिले में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जिले में कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई है और अब 90% से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्शीनगर में, जहां कुछ दिन पहले मरीज बेड के लिए दर बदर हो रहे थे, उसी GMC जम्मू में आज पर्याप्त संख्या में बेड खाली पड़े हैं। मौजूदा समय में GMC जम्मू में केवल 200 बेड पर ही मरीज उपचाराधीन है। करीब 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने पर भारी भीड़ उमड़ी। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। वाइन शॉप के सामने शराब लेने के लिए कतार पर खड़े लोगों ने शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। वहीं कस्बे के बाजार में बीते बुधवार को नियमों का पालन नहीं करने पर 62 लोगों का चालान काटकर उनसे 30,150 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले गए। पुलिस ने लोगों को बाजार में सामान की खरीदारी करने के दौरान 2 गज की दूरी को बनाए रखने के साथ खुद का बचाव करने की भी अपील की। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के युवाओं द्वारा हाथ में प्ले कार्ड लेकर यूटी प्रशासन और पर्यटन विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया। स्थानीय युवाओं ने मुख्य सड़क के महल 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ने वाले लाहनथूर की प्राकृतिक सुंदरता की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना किया। युवाओं ने इस खूबसूरत स्थान को पर्यटन मानचित्र पर लाने का अनुरोध किया। वहीं एडवोकेट ओविस खान ने जानकारी देते हुए बताया कि 1964 में फिल्म कश्मीर की कली का एक गीत भी यहां शूट किया गया था। स्थानीय युवाओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करते हुए अनुरोध किया कि इस प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इलाके को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए। भारतीय सेना के आर्मी कैंप डायलगाम बाटपोरा PDG COB जिंजर कंपनी कमांडर COB मेजर राहुल व 19 RR के साथ RMO डॉक्टर प्रदीप ने वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की और मेडिकल हेल्थ चेकअप किया। इस आयोजन में लगभग 25 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया, जिसमें वॉर विडोज, एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स शामिल थे। ये कार्यक्रम लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, COVID-19 के एहतियाती उपायों और समय समय पर कश्मीर के लोगों के लिए भारतीय सेना के योगदान के बारे में शिक्षित करने के लिए आयोजित किया गया था। जम्मू में कलाकारों द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से लोगों में कोरोना महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कोरोना वायरस का हेलमेट पहनकर नरवाल सब्जी मंडी में लोगों को जागरूक किया गया। ये अपनी तरह का अनोखा प्रयास है। कलाकारों ने कहा कि यह जम्मू संभाग की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और यहाँ हर क्षेत्र और इलाके से लोग, व्यापारी सब्जी लेने आते हैं। हमारा प्रयास है कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। लोगों की लापरवाही से हमें बड़ी कीमत झेलनी पड़ सकती है। बीते गुरुवार को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक CBSE के विद्यार्थियों और उनके पेरेंट्स के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक इस वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कक्षा 12वीं के छात्रों और पेरेंट्स के साथ परीक्षा के स्थगन और उसके असर पर चर्चा की। बता दें कि ये बैठक 3 जून को दोपहर आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद से ही देश के कोने कोने से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम
मीटिंग में शामिल पेरेंट्स द्वारा सराहा गया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी भी जारी है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। गुरुवार को देश में कोरोना के 1,34,000 मामले सामने आए, जबकि 2,887 लोगों की मौत हुई। कोरोना के साथ साथ देश में ब्लैक फंगस की बीमारी भी तेजी से फैल रही है। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि कुछ राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में राहत है, जिसे देखते हुए उन राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने का दावा किया है। इस दौरान कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान राज्य में कड़ी पाबंदी रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते गुरुवार को कहा कि राज्य में कोरोना के मामले घटकर आधे हो गए हैं। हमारे द्वारा 1.4 करोड़ वैक्सीन की खुराक भी अब तक मुफ्त में दी गई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने कोरोना के मामले कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया, लेकिन हमने कुछ प्रतिबंध लागू किया है और तेजी से उस पर काबू पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध के दौरान हमें लोगों का समर्थन मिला, इसलिए ये संभव हो सका। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में अपने सभी कर्मचारियों के टीकाकरण के बाद रेस्टोरेंट शाम 5 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच खुले रहेंगे। श्रीनगर में पार्टी अध्यक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रांतीय पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पूरे कश्मीर प्रांत के पार्टी पदाधिकारियों ने लगभग 4 घंटे तक चलने वाली वास्तविक समय के वर्चुअल बैठक में भाग लिया। अन्य लोगों में पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, महासचिव अली मोहम्मद सागर, प्रांतीय अध्यक्ष नासिर असलम वानी ने भी इस बैठक में भाग लिया।